हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा गो टू मेकअप लुक। ये लुक ना बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाता है एंड बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट लगते हैं इसको क्रिएट करने में एंड बहुत ही कम टाइम भी लगता है। तो इसे मैं चाहे जहाँ करके चली जाती हूँ, लाइक मुझे शॉपिंग जाना हो तो मैं एक लुक क्रिएट कर लेती हूँ एंड अगर मुझे शूटिंग करना हो तब मैं ये लुक क्रिएट करती हूँ। तो ऐसे आप भी अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई यू नो शॉपिंग करने जाते हो, मार्केट जाते हो या फिर आप वीडियो शूट करते हो तो ये लोग बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो और वो भी बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो क्या होता है, मेकअप ना मेकअप की तरह ही दिखता है, फिर वो चाहे नेचुरल मेकअप हो चाहे नो मेकअप लुक हो। मेकअप आखिर आपके ना पता चलता है कि आपने कोई एक लेयर जो है वो अपने फेस पर लगाई हुई है, सामने वाला इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ आपने कुछ तो अपने चेहरे पर लगाया हुआ है। सो मुझे ना ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं ना नो मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि क्रीम से ज़्यादा हो एंड मेकअप से कम हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब मेकअप जैसा ना लगे एंड वो ये भी ना लगे कि मैंने सिर्फ क्रीम लगा लिया है। इसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि है ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इस वाले ब्रांड से तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि ये ब्रांड तो आप लोगों ने बचपन से यूज किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं यूज किया तो मम्मी लोगों ने जरूर यूज किया होगा। मैंने तो किया है भाई, मैंने तो बहुत यूज किया है इसको एंड आज मैं इसका बीबी क्रीम यूज करने वाली हूँ। एंड ओ माई गॉड, मुझे तो फर्स्ट इंप्रेशन इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये आपको दो शेड्स में मिल जाता है, 01 एंड 02। एंड जो मैंने शेड लिया हुआ है वो है 01 एंड आप देख सकते हो मेरे स्किन टोन में कितने अच्छे से ये मैच कर रहा है। अब मैं इसे अपने ना फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने अच्छे से अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है एंड अभी मैं इसे अपने हाफ फेस में अप्लाई करूंगी एंड आपको मैं डिफरेंस दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसा डिफरेंस मिलता है अगर आप सिर्फ इसे अप्लाई करते हैं। तो एक साइड में कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी एंड एक साइड अप्लाई करूंगी दिस बीबी क्रीम। थोड़ा सा अमाउंट में लेके मैंने अपने फेस के साइड पे इसको अप्लाई किया है एंड अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ब्रशेज एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स हमारा कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेते हैं, बट इसे आप बिल्कुल अपने हाथों से ही ब्लेंड कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि कितने अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। आजकल का जो पॉल्यूशन, सनलाइट, टेंशन भरी लाइफ होती है, इसकी वजह से हमारी स्किन पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है गाइज। एंड ऐसे में ग्लो एंड लवली के डबल बेनिफिट से मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो ग्लो एंड लवली क्रीम में है ऐसे मल्टीविटामिन्स जो आपके चेहरे को डीपली नरिश करता है, साथ ही साथ इसमें एक परफेक्टली बैलेंस मिक्स ऑफ फाउंडेशन है जिससे आपके फेस पर बिना मेकअप के भी मेकअप जैसा ग्लो आ जाता है और आप ये देख सकते हो। इससे ना आपके जो ब्लेमिशेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कवर अप हो जाते हैं एंड आपको इवन स्किन टोन देखने को मिलती है जो कि आप देख ही सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे विजिबल रिजल्ट भी दिखाया है। जिस साइड मैंने नहीं अप्लाई किया है उस साइड का आप अगर चेहरा कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है एंड आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह दिख रहे होंगे, सॉरी डार्क सर्कल्स वगैरह दिख रहे होंगे। एंड जिस साइड मैंने अप्लाई किया उस साइड आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक वो सब कुछ इसने हाइड कर दिया है। एंड इसके नॉन ऑयली मैट फिनिश से आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेगी। अब मैं इसे अपने फेस के दूसरे साइड भी अप्लाई कर रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मेरी स्किन बिना मेकअप के बिल्कुल मेकअप जैसा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस, इस तरह ग्लो एंड लवली का बीबी क्रीम मुझे झटपट रेडी होने में बहुत अच्छी हेल्प कर देता है। इसका जो शेड 2 है वो इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो अगर आप मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है तो आप शेड 2 अप्लाई कर सकते हैं। वो अवेलेबल है आपके नियरेस्ट कॉस्मेटिक स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको नायका कि जो ऐप है उसमें मिल जाएगा, अमेज़ॉन में मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसमें मिल जाएगा एंड मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद मैं झटपट से अपनी आईब्रोज़ को सेट करती हूँ एंड थोड़ा सा टिंट अप्लाई करती हूँ, लिपस्टिक, मस्कारा एंड आई एम गुड टू गो। बस इतना ही मैं अप्लाई करती हूँ एंड सॉर्टेड। दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।